नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई के आर्थर जेल में कोरोना का कहर, 77 कैदी और 26 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव। आर्थर रोड जेल मुंबई की सबसे पुरानी जेल है। यह कस्तूरबा हॉस्पिटल के ठीक सामने है। कस्तूरबा हॉस्पिटल को ही मुंबई में कोविड-19 का नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। जेल में फिलहाल 2000 विचाराधीन कैदी बंद हैं। हालांकि इनकी क्षमता 800 कैदियों की है। जेल में कैदियों के बीच आपसी दूरी की भी समस्या है, क्योंकि क्षमता से ज्यादा कैदी यहां बंद हैं। यस बैंक के संस्थापक और इस मामले में के आरोपी राणा कपूर भी आर्थर रोड जेल में ही बंद हैं। मुंबई में ये एक बड़ी खबर जो है वो निकल के आ रही है और आप देखें कितना सेंसिटिव मामला है। मुंबई में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोगों के अलावा अब इसका संक्रमण पुलिस विभाग में भी तेजी से फैल रहा है। अब यहाँ के आर्थर रोड जेल में कोविड-19 के मरीजों का पता चला है। आर्थर जेल में 103 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें 77 कैदी और 26 जेल का स्टाफ है। कोरोना को जीटी हॉस्पिटल और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। कैदियों को शुक्रवार सुबह सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। जेल के जो स्टाफ हैं उनमें अलग से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। आर्थर रोड जेल मुंबई की सबसे पुरानी जेल है। यह कस्तूरबा हॉस्पिटल के ठीक सामने है। कस्तूरबा हॉस्पिटल को ही मुंबई का कोविड-19 का नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। जेल में फिलहाल 2000 विचाराधीन कैदी बंद है। हालांकि इनकी क्षमता 800 से कैदियों की ही है। जेल में कैदियों के बीच आपसी दूरी की जो है वो समस्या है, क्योंकि क्षमता से अधिक जो है यहाँ पर कैदी बंद है। और जैसा हमने बताया कि यस बैंक के संस्थापक और इस मामले के आरोपी राणा कपूर भी आर्थर रोड जेल में ही बंद है। जेल में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के जो टेस्ट लिए गए हैं, जिनमें 103 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ताजा मामले इस घटना के बाद सामने आए हैं, जिसमें बुधवार को 45 साल के एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह कैदी नारकोटिक्स एक्ट के तहत जेल में बंद है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो है आर्थर जेल में कोरोना पॉजिटिव केस के बारे में जानकारी दी। जेल में कई लोगों ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की आशंका है। अनिल देशमुख के मुताबिक 77 कैदी और जेल के 26 अधिकारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आर्थर रोड जेल में 2800 से ज्यादा कैदी हैं। जेल की एक बैरक पॉजिटिव पाए जा चुकी है। जेल के अधिकारी ने अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आर्थर रोड में जो है जेल में 28 से रखे दिए हैं। जेल की एक बैरक में कोरोना का केस पाया गया था। इसके बाद जेल के सभी कैदियों और स्टाफ का कोरोना जांच करवाई गई। रिपोर्ट में 77 कैदियों और 26 जेल अधिकारियों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। आगे के उपचार के लिए सबको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।